हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस मैं आया हूं भैया मार्केट, हापुड़ की गोल मार्केट, नानीग्राम मार्केट है। यहां से गाइस मुझे कुछ लेना है, केबल, डेटा केबल, फिर कबाड़ा में जाना। वहां से गाइस मुझे फोन आया कि कुछ स्पेशल मेरे लिए आया है। मैं गाइस फोन में कुछ नहीं आया भैया, मैं खुद ही जा रहा हूँ। पहले तो यहाँ से मैं निपटता हूँ, फिर वहाँ पे आके निपटूंगा। भैया माइक्रो यूएसबी डेटा केबल है, दे देना एक। दे तो भाई ये डेटा केबल लेनी पड़ी है। तो भाई जो मुझे लेनी थी वो मुझे मिली नहीं है फिलहाल, मतलब दो लेनी थी, एक मिल गई, एक नहीं मिली। V3 की नहीं मिली, माइक्रो यूएसबी गाइस मिल गई है। बड़ी दिक्कत है यार, जो सामान नहीं मिलता ना, चाहे थोड़ा कॉस्टली मिल जाए पर यार मिल जाए वक्त पर। तो भाई साहब ये मिला है, ये क्या है अभी देखेंगे। अब गाइस दिक्कत एक हो गई है, कबाड़ा में गए थे और उसकी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि भाई साहब वीडियो स्टार्ट नहीं की। शाबाश, क्या मतलब क्या कहूँ मैं, जो बात है। तो भाई ये राख है, जो बात है, अल्टरनेटिव प्रेशर पंप ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ओ भैया यकीन मानो मेरे को नहीं पता, बस इतना पता कि भाई ये प्रेशर पंप है या पंप है, कुछ भी गाइस ये पंप है। और भाई साहब ये काफी पुराना भी है, ये नहीं पता कि ये चल रहा है खराब है। कबाड़ वाले भैया कह रहे थे कि ये चल रहा है, चालू कंडीशन में है। और ये क्या है, इसकी नोब है और ये इसका स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ के लिए एक्स्ट्रा केयर। तो भैया पहले कुछ पढ़ लेते हैं इसका क्या लिखा है। मैट्रेस है नहीं, गद्दे गद्दे नहीं है भाई। कनेक्ट मैट्रेस एयर ट्यूब टू पंप, चेकिंग एयर ट्यूब आर नॉट नॉक्टेड और टक्ड अंडर मैट्रेस। भाई ये पंप है और आई थिंक ये गद्दे गद्दे का पंप है या किसी भी चीज का गाइस, फिलहाल भाई पंप है। तो भाई सबसे पहले हम चला के देंगे। और भाई ये मिला मेरे को 200 रुपए का। भाई साहब अगर ये चल गया तो कामयाब, वरना बर्बाद, वरना कोई बात नहीं है, तो गाइस एक्सपीरियंस मिलेगा। कबाड़े वाले से मेरी काफी दोस्ती होगी इस चैनल के चक्कर में, गाइस मैंने काफी लोगों से दोस्ती कर ली है, कुछ गलत लोग भी खाने पीने वाले लोग भी, सबसे मैं दोस्ती कर रहा हूँ आजकल। बात है भैया, देखते गाइस ये ठीक है नहीं है। और गाइस किसी को पता है, मतलब पंप तो है ये, लेकिन ये किस काम आता है वो चीजें हम देखेंगे। तो भाई साहब उसकी लीड भी देखेगी। ओबे भाई देखो कितनी लंबी लीड है। तो भैया ये खोल दिया मैंने। ओ भाई चल रहा है, देखो इंडिकेटर चला। और भाई देखी, ओहो ओ भाई देखा, अरे इसमें तो कुछ नहीं हो रहा और इसमें हवा आ रही है, वही वाह, ये बढ़िया भाई। काम करते हैं इससे, कोई बैलून फुला के देखते हैं। अभी हम बजा आएगा ना वीडियो। भाई मैं लेकर आया हूँ एक बैलून जो कि गाइस बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि गाइस हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो भाई एक पाइप है, इस पे देखते हैं, पहले से लगा ले और बैलून भी इस पर चढ़ाएंगे, फिर गाइस देखते हैं भाई कैसे काम कर रहा है। लगा रहा भाई जरा, ओह हाँ फूल रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, देखो। अरे वाह, अरे वाह, देखो भाई साहब ये तो भाई बढ़िया चीज निकली है। 200 रुपए भाई और क्या लोगे। और ये हाँ भाई ये बड़ा होता जा रहा है गाइस, यानी कि ये अच्छा काम कर रहा है भाई। लेकिन भाई टाइम बहुत लग रहा है ना, पर टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन भाई साहब ये काम कर रहा है और 200 रुपए में गाइस मजा आ गया। देखो पैसे तो भाई से भी यही वसूल हो गए, 200 रुपए हमारे यहीं पर वसूल हो गए भाई। हमेशा देखिए कितना बड़ा होगा भाई गुब्बारा, भाई बच्चे है छोटे घर में और गुब्बारा फुलवाते रहते हैं भाई, तो यहाँ दर्द हो जाता है, यहाँ तो इससे दर्द नहीं होगा, इससे फुला के देते हैं भैया, हम जो बना उससे फुला के देते हैं भाई। ये फट जाएगा गुब्बारा, मैं से निकालता हूँ, मैं तो गाइस खुद पढ़ता, हम तो सोचा कि हम ही फाड़ दे। तो भाई ये तो यार बहुत काम की चीज निकला भाई, जो बात है। चलो अभी से भाई देखते हैं खोल के कि इसके अंदर ऐसा क्या है, कौन सा पंप इसके अंदर है जो ऐसा गुब्बारे को फुला रहा है, और इसके सारे के सारे स्क्रू लग रहे हैं, ये तो खुशी की बात है भाई। तो भाई आप भी हो फटाफट कबाड़ वाले भैया के पास और उनसे मस्त मस्त चीज लेकर आया, मजा आता भाई बहुत, मतलब ये चीज गाइस नहीं है, देखा मारती है। और आयो गाइस आपके लिए भी नई होगी, तो इसके अंदर देखते हैं क्या मिलेगा। और किसी भैया के पास ये अगर नई हो, न्यू हो, नहीं हो ये न्यू हो, तो गाइस प्लीज बताओ जरूर। और ये आप किस काम में लेते हो, क्या इस साइकिल में हवा भर सकता है। और अब इसके अंदर खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है, इसमें पंप लग रहा है या अलग सिस्टम है, देखते हैं। भाई साहब हाथ दुगे से खोलते खोलते यार, देखा भाई खुल जा, खुल तो गया। इसके अंदर पंप लग रहा है अलग से एक, मस्त बिल्कुल। ये सिंक्रोनाइज मोटर यहाँ क्या कर रही है, ये सिंक्रोनाइज मोटर ही है लगता था, बिल्कुल सेम वही है। और भाई इसे चला के देखते हैं कि ये खुल पाता है या नहीं खुल पाता है। ये जा रहा है इस तरीके से, तो ये इसकी स्पीड कम बढ़ती कर लेता है। फिलहाल देखा जाए तो गाइस ये पंप है, ठीक है, इसे खोल के देखते हैं क्या है। इसके लिए भाई पहले इसे खोलना पड़ेगा। वाह क्या फेंका है, ये निकल पाएगा वरना तो उसका स्विच, अरे ये निकल गया यार, नंगोर बेइज्जती।
अभी तो वापस लगाना बड़ी दिक्कत है यार। ये अच्छा सिस्टम दे रखा है उन्होंने जो बात वैसे। दिल से दुआ निकलती है ऐसे डिजाइन के लिए। वही टाइम बच गया और ये लग नहीं रहा है। अब इसके लिए दुआ निकलेगी दिल से स्पेशल। अब भाई ये है खुलेगा कैसे? ओह इसके नीचे रबड़ वाले लग रहे हैं पैड और भाई ये बड़ी दिक्कत है। ये टूट जाएंगे लेकिन आराम से निकलेंगे नहीं। और इसमें खोलने का ऑप्शन सिर्फ नीचे से दे रखा होगा। हाँ नीचे से दे रखा है। खैर गाइस आपके लिए देखते हैं क्या हो सकता है। ओ यार भाई ये काफी दिक्कत है यार। मतलब मेरा मानना कि भाई मैं आपको खोल के दिखाऊं। गाइस एक काम करते हैं देखिए ये जो ना देखिए ये जो रबड़ वाले हैं देख रहे हो ये भाई इनमें जो ना ऑयल डाल के देखते हैं थोड़ा बहुत। मोबिल ऑयल जिंदगी झंड कर दे। वैसे यहाँ पर तेलों की कमी नहीं है सरसों का तेल बहुत है। ये रहा मोबिल ऑयल। आई थिंक मोबिल ऑयल ही कहते हैं मोबिल ऑयल कहते हैं जो भी कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के देखा निकल चिकन होकर यहाँ से नहीं पहले तब से ना क्या पता है चिकन होकर बाहर निकल जाए खींचने पर। भीचने पड़ेंगे। हाँ देखो हाथ देखो मेरा भाई दर्द हो रहा था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं कहा छोड़ देना ये भाई फिर बड़ी दिक्कत करेगा ये वापस चला जाएगा। अब गाइस मैं ऐसे सारे निकाल देता हूँ ठीक है। तो भाई साहब फाइनली निकल गया है लेकिन गाइस एक टूट गया है। भाई यकीन मानिए मैंने इसलिए नहीं तोड़ रहा था क्योंकि जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं ना पैड होती है वो ये ज्यादा पूरी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं आती क्योंकि गाइस ये अब्सॉर्ब कर लेता है जो रबर पैड होता है ना थोड़े से। अगर मैं इस पर नट बोल्ट लगा दूंगा तो गाइस पूरी बॉडी पर जब ये चलेगा तो वाइब्रेशन ज्यादा आएगी। तो भैया ये रहा इसका पंप एयर पंप और भाई इसे खोल के देखते हैं चाहे बेशक खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं आ रही आपके हमारे 200 रुपए का नुकसान भी कर लेंगे। देख लो भाई ये इसमें पंप अलग टाइप का है थोड़ा सा। देखो मैं आपको तो चला के दिखाता हूँ तब आपको मजा आएगा ठीक है। इसमें गाइस वो वाला पंप नहीं है जो आपने देखो ना डीसी मोटर लगा दिया जो शाफ्ट से घुमाती है ना इस तरह का पंप इसमें गाइस नहीं है। ये पंप है देखिए ये इस तरह दबाया ठीक है इस तरह कर देगी। ये दोनों तरफ से प्रोसेस चलते रहता है और गाइस यहाँ पर हवा बनती रहती है एयर बनती रहती है। भाई क्या सिस्टम है मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन दिखाता हूँ। और भाई ये क्या है देखने में तो सिंक्रोनाइज मोटर लग रहा है भाई बहुत बड़ा कर रहा था तार लगे हुए छोड़ दिए आपसे ही उम्मीद थी। करंट कब खिला रहे हैं बताओ अभी खा लो भाई तार लगा रखा तार लगता है भाई अब उठाने जा रहे हैं ऊपर को। भाई साहब ये सिंक्रोनाइज लग नहीं रही है सिंक्रोनाइज मोटर ही है। ओ भाई और देखो कितने कम है अभी तो चला के देखते जाओ ऐसे पता लगेगी ठीक है। अंदर से हमने सब चीज खोल डाली आज इसकी मशीन की मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। लगती ना कि भाई चल रहा है पर ये घूम रहा है वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ये घूम रहा है। एक काम करते हैं ये हवा लेता कहाँ से है आई थिंक ये हवा अंदर से लेता है नीचे से इस एरिया से है ना या यहाँ से फिल्टर लग रहा है ये यहीं से लेता होगा है ना क्योंकि ये सारा सिस्टम जो ना अंदर देखिए पै गई। लेकिन भाई समझ में नहीं आया इसका क्या काम है यार गाइस हमें तो यही नहीं पता भाई किस काम आता है। मतलब गद्दे हवा बनने काम आता है कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है कुछ मतलब कुछ भी मेडिकल लाइन से है। तो खैर जो बात है प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं कि भाई ये क्या हो सकता है। तो गाइस जिस भैया ने कोई चीज कभी यूज नहीं की या देखी नहीं उसके बारे में कैसे पता होगा। हाँ पता लगेगा इस हमें कभी कभी किसी चीज के बारे में तुरंत पता लगेगा देखिए क्या है। लेकिन गाइस जो एयर पंप है काफी जगह यूज होते हैं बहुत जगह यूज होते हैं इनका मतलब काफी बड़ा एरिया है काफी वाइड एरिया है यूज होने का तो हम कह नहीं सकते गाइस। तो आप गाइस प्लीज कमेंट करके बताओ भाई अभी जल्दी फटाफट लौंडो। फिलहाल तो भैया मैं इस मोटर को लगाता हूँ ये भाई घूम तो रहा है मतलब अंदर से वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन भाई ये इसके शाफ्ट नहीं घूम रही तो यहाँ पर कुछ और मैकेनिज्म लगा गया है। और भाई बात तो पक्का है कि ये मोटरसाइकिल में नहीं भर सकता हवा तो ये जो पाइप है ना इतने मजबूत नहीं है तो ये पाइप फट जाएंगे कि ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो ये भैया इसका ट्रांसफार्मर वो भाई देखो हो रहा इसको डार्क भी हो रहा है अच्छा मैं फिल्टर नेट हो रहा है देखिए ये बढ़ जाता करो तो भैया फटाफट पहले से लगा देते हैं भैया स्क्रू लगा दिए हैं और ये जो ना हाँ ये स्टड ग्लू से चिपक सकता है वो बात अलग है थोड़े से हार्ड हो जाए लेकिन गाइस ये काम कर लेगा फिर भी। ये ओ ओ ओए 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 तेरी माँ का साकी आका अबे यार भाई बड़ी दिक्कत है यार ये भाई बहुत हाथ पे चिपकती है भाई इसे लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ आज तक हमने गाइस ये नहीं लगाए हैं लेकिन ये बात पक्का है कि भाई खींच के लगेगी। चल भी निकल जल्दी हो
थोड़ा सा राहत मिली, या लग गया। हाँ हाँ, तो भाई ये लग चुका है बड़ी मुश्किल से, चारों हमने अच्छे से लगा दिए हैं। और इसे भैया जो ऑयल है ना, एक्स्ट्रा ऑयल को साफ कर देते हैं। अभी इसे भाई चला के देखते हैं, अब गाइस वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं आएगी। देखिए चल रहा है और ये अपने में मगर नहीं आएगा, बॉडी पर वाइब्रेशन नहीं आ रही, नहीं बॉडी पर नहीं आ रही, एक बार इस पर बहुत आ रही है। देखो इसका तो लूलू बन गया गाइस, स्क्रू का लूलू देखा आपने, देखो देखो भाई ऑटोमेटिक चल रहा है अपना। देखा गाइस कौन सा लूलू जीतेगा दोनों में से, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। चलो 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 चलो, बहुत तेज, ये वाला हराम ही लग रहा थोड़ा सा, वो तो भाई वो आई थिंक विमल खा रहा है, इसका मुंह लाल हो रहा है ना। देखो ये हार गया, तो गाइस ये विमल खाता है, ये गुटका खाता है। तो भैया बोलो जो केसरी, इससे कान भी जलेगा, कमजोरी आती है। जो स्क्रू लाल वाला ना, इसने गुटका खा रखा था, ये लोंडा मस्त चिकना बिल्कुल शेविंग करा रहा है बिल्कुल। तो गाइस जीत गया, तो इससे पता लगती है कि प्रूफ हो चुका है, हमने प्रूफ कर दिया है कि ये नहीं खाना चाहिए, है ना। केसर जैसे कुछ नहीं इनमें, जहर है यार, यकीन मानिए ये सोचा। आई थिंक देखिए ये ऐसे जाता है, ठीक है, या तो ऐसा गाइस कि यहाँ से ये वाल बंद करता है, जिसका ऐसे हवा लेता है और खोलता है, आग को भेजता है, ठीक है, यहाँ से हवा लेगा, ठीक है, और भाई हवा भेजेगा भी इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है सब सिस्टम। तो गाइस जो बात है, बहुत अच्छी चीज मिली, काफी मजा आया, कोई नई चीज देख रहे हैं, नया मैकेनिज्म काम कर रहा है, पंपिंग देखो गाइस कैसे हो रही है इसमें, तो काफी अच्छा है। मतलब इतना हाई प्रेशर तो नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि आराम से कोई बैलून फुला देगा और बैलून को फाड़ देगा, इतना प्रेशर इसके अंदर है। तो फ्रेंड्स आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। तो गाइस हमारा तो फायदा हो गया, हमें इसमें स्पीड कंट्रोल मिल गया और इसमें हमें एक सिंक्रोनाइज मोटर मिल गया, तीसरा इसमें पंप मिल गया, ट्रांसफर मिल गया, पूरी बॉडी मिल गई। तो गाइस 200 रुपए में गाइस बुरा नहीं है, आपको क्या लगता है गाइस 200 में बुरा है क्या? तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताएं, और गाइस ये किस भैया के पास है और ये कितने का नया आता है, इसका नाम क्या है, प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको पता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।